सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई एक साथ नजर आने वाले थे इस नए अपकमिंग प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोजेक्ट रह चुका है अब अधूरा। आखिरकार क्या था इस प्रोजेक्ट में खास, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद लगातार देश दुनिया में अब तक फैंस अपने जहन से इस बात को नहीं निकाल पा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है और आ ही जाता है। ऐसे में द पॉपुलर प्रोड्यूसर शाहजेब ने, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, इसके पहले रश्मि देसाई के साथ भी वो सुभान अल्लाह सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनली उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि वो बहुत जल्द रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक नए म्यूज़िक वीडियो सॉन्ग प्रोड्यूस करने वाले थे और उन्होंने प्लानिंग्स भी बना ली थी, प्रॉपर प्लॉटिंग्स भी हो गए थे सॉन्ग को लेकर। रश्मि देसाई से बातें हो चुकी थी, सिद्धार्थ से बातें चल रही थी और बहुत जल्द ये नया म्यूज़िक वीडियो आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ऐसा कुछ हो गया। तो वेल गाइज, आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली अगर सिद्धार्थ शुक्ला भी हमारे बीच होते तो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का ये नया म्यूजिक वीडियो सॉन्ग आ रहा होता, जो आप सभी के लिए किसी गुड न्यूज, किसी सरप्राइज से कम नहीं था। बेसिकली ये आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला इस का एक साथ काम करने का ये जो था वो सपना अधूरा रह गया। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जब भी सिद्धार्थ और रश्मि एक साथ होते थे वो सबसे बेस्ट केमिस्ट्री होती थी। अगर आपको पॉपुलर शो दिल से दिल तक की केमिस्ट्री में याद होगा तो ये हस्बैंड और वाइफ का किरदार निभाए थे। उसमें रोमांटिक तरीके से जब ये दोनों साथ आते थे, फैंस को वो मोमेंट बहुत पसंद आता था। इसी मोमेंट को रिक्रिएट किया गया था बिग बॉस के भी घर में, तो ऐसे में ये वीडियो सॉन्ग भी आता तो बहुत ही मज़ेदार होता, दोनों की केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। क्या है आपके व्यूज़ इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।